हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं एथिक्स का टॉपिक, जहां आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रोल ऑफ बिजनेस एथिक्स इन वेरियस मैनेजमेंट फंक्शन। यानी जो आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं या फिर बिजनेस में जो और तरीके के भी आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, उसमें एथिक का क्या रोल होता है और किस मैनेजमेंट फंक्शन में किस तरीके से एथिक का एक रोल बन के आता है। सो ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एथिक इन फाइनेंस। देखिए, फाइनेंस जो है एक बिजनेस का अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे होता है, जिसमें यहाँ पे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज आप देखते हैं कि कहाँ से बिजनेस में पैसा आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। मान लीजिए आप जो है बिल्कुल एथिक से काम नहीं कर रहे हैं और अपने बिजनेस में जहाँ से भी फाइनेंस आ रहा है उसको तो सही जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें से अपनी ही पॉकेट में पैसा डाल करके उसको खर्चे के तौर पर दिखा रहे हैं, तो ये आपकी कंपनी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और आपके लिए भी जो है यहाँ पर एथिक आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो ऐसे सिचुएशंस में जो है आप ट्रूथफुल ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हैं और इस वजह से ये आपके बिजनेस में एथिक जो है यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। सो जब हम बात करते हैं एथिक्स इन फाइनेंस की, तो यानी इस तरीके से अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डील करें जिसमें आप कुछ भी गलत ना शो करें, बल्कि आप ट्रूथफुलनेस फॉलो करें अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। फुलफिल करें म्यूचुअल इंटरेस्ट कि भैया कंपनी का भी इंटरेस्ट बना रहे और आपका भी, और यहाँ पे आपका भी बना रहे का मतलब ये नहीं है कि आप गलत ट्रांजैक्शंस शो कर रहे हैं। टू गेट फाइनेंस यूनिट फ्री फ्रॉम ग्रीड बेस्ड मेथोलॉजीज, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल यूनिट्स हैं उसको ग्रीड बेस्ड मेथोलॉजीज, जहाँ पे आपकी अपनी ग्रीड छुपी हुई है, उससे फ्री रखें, तो वो तब कहलाया जाएगा कि आपने अपने फाइनेंस में एथिक से काम किया है। सो एथिक इन फाइनेंस। नेक्स्ट इज एथिक इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस के लिए उसमें काम करने वाले लोग उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं और वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज इसीलिए होते हैं क्योंकि बिजनेस के बाकी सारे रिसोर्सेज को वो हैंडल करते हैं। लेट सपोज ह्यूमन बींग्स, आप ह्यूमन नहीं है आपकी कंपनी में और आपके पास सब कुछ है, मशीनरी है, पैसा है, मटीरियल है, सब कुछ है, बट उसको यूज़ करने वाला ही नहीं है, यानी कि एक मैन पावर नहीं है, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज जब आप करते हो या ह्यूमन रिसोर्सेज का जब आप मैनेजमेंट करते हो तो वहाँ पे एथिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जो डील करते हैं आपके इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट ऑफ एम्प्लॉयज़ कि भैया एम्प्लॉयज़ का भी राइट आप देख रहे हो अपनी एंटरप्राइजेस में। इसमें से कुछ राइट आपके हैं कि भाई आप जो है अपने राइट टू वर्क एंड टू बी कंपनसेटेड फॉर द सेम, कि उनके पास राइट है वो काम कर सकते हैं और उनको जो है कंपनसेट किया जाएगा। राइट फॉर फ्री एसोसिएशन एंड पार्टिसिपेशन कि वो फ्री जो है एसोसिएशन कर सके, पार्टिसिपेशन कर सके, फेयर ट्रीटमेंट हो उनके साथ, हर आपके एम्प्लॉयज़ के साथ आपकी एंटरप्राइजेस में, उनको जो है एक हैज़र्ड फ्री इन्वायरमेंट मिले जहाँ वो काम कर सके। राइट टू रेज वॉइस अगेंस्ट एनी रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ एनी वन इन एन एंटरप्राइजेस, अगर कोई गलत कर रहा है तो इतना राइट उनके पास हो कि वो आ करके आपसे डिस्कस कर सके या फिर जो है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकें। तो ये सारे राइट्स आपको जो है देने पड़ेंगे अपने जो भी आपकी एंटरप्राइजेस में लोग काम कर रहे हैं, और अगर आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं और इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो यानी कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एथिक्स फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एथिक्स इन मार्केटिंग। मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मार्केटिंग करके आप जो है अपनी सोसाइटी में अपने प्रोडक्ट की नॉलेज देते हो कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हम बेच रहे हैं, इसमें ये फीचर्स हैं। लेट सपोज आपका जो फीचर है वो बहुत कम है, जैसे कि आपको कोई जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में दे रहे हो उसमें जो एक्चुअल क्वालिटी आप दे रहे हो, लेट सपोज वो बहुत कम है, बट एडवर्टीजमेंट आपने ऐसी बड़ा चढ़ा के दिखा दी कि एक बार में लगाओ और गोरे हो जाओ, इस टाइप की सिचुएशन आपने दिखा दी, तो ये एथिक नहीं है, एथिकल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या फिर जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उससे कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो जो कि एक फॉल्स दिख रहा है। सो मिस इन्फॉर्मेशन देना कस्टमर को अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज, या फिर चार्जिंग हाई प्राइस कि भाई जो प्रोडक्ट और सर्विस आप दे रहे हो उसका प्राइस आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो,
या फिर फॉल्स इम्प्रेशंस ऑन द कस्टमर या कंज्यूमर, जो भी फीचर्स हैं आपके प्रोडक्ट के, उसका फॉल्स इम्प्रेशन बना रहे हो। जैसे अभी मैंने बताया कि जो आपकी क्रीम है उसका फॉल्स इम्प्रेशन कैसे हो सकता है कि भैया यूज़ करके आप गोरे हो जाओगे, ठीक है, या फिर प्रमोट कर रहे हो, ये नेक्स्ट पार्ट है, ये नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, ठीक है, या फिर आप प्रमोट कर रहे हो सेक्सुअल एटीट्यूड किसी भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, जो कि यंग जनरेशन या चिल्ड्रंस पे गलत अफेक्ट डाल सकती है। सो मार्केटिंग में इस तरीके से ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, तभी कहलाया जाएगा कि आपने मार्केटिंग में एथिक्स फॉलो किए हैं। नेक्स्ट इज एथिक्स इन प्रोडक्शन। आपने कई बार देखा होगा कि जब होली आती है, दिवाली आती है, मिठाइयाँ बनती हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं जो गलत मिठाइयाँ बना रहे होते हैं, जिसमें वो क्या कर रहे होते हैं कि कुछ डिटर्जेंट मिला करके, पता नहीं क्या क्या मिला करके, वो एक अलग ही प्रोडक्ट बना के देते हैं, जैसे खोया होता है उसमें नकली चीज़ें मिला रहे होते हैं। सो वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मिला रहे हैं जो कस्टमर के लिए ठीक नहीं है, या फिर जो एक्चुअली में साफ़ सुथरी चीज़ बननी चाहिए उसमें कुछ उल्टा सीधा मिला करके अपने फ़ायदे के लिए एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इन एथिकल बिहेवियर इन प्रोडक्शन, कि भैया प्रोडक्शन के टाइप में आप जो है हार्मफुल चीज़ें डाल रहे हो या गलत डाल रहे हो। जैसे मैगी, आपको ध्यान होगा मैगी इन 2015-16 के अप्रॉक्स में जो है बैन हुई थी। वाई? बिकॉज जो लेड की मात्रा उसमें थी वो बहुत ज़्यादा थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो प्रोडक्ट था जो उसके अंदर, वो लेड था जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी, विच वॉज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर या जो भी उसको कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन में आप कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जिसकी वजह से किसी की हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। तो इसीलिए प्रोडक्शन में एथिक्स आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हो कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप श्योर करो कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का, वो हार्म ना करे इन्वायरमेंट को भी, और साथ ही साथ जो है उस प्रोडक्ट से किसी और को प्रॉब्लम ना हो। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, बिजनेस एथिक्स जो हैं वो शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, उसका वैल्यू है या उसका लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा हो सके और एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ पूरा हो सके। सो एथिकल कंसिड्रेशन जो है आपको हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या कौन से जो उनके लिए है जो सस्टेनेबल है, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिव होगी जिससे आप क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स में। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल ऑपरेशंस मैनेजमेंट। एथिकल प्रिंसिपल जो है इम्पैक्ट करता है कई जगह पे, कई वेरियस एस्पेक्ट पे जो कि आपके ऑपरेशनल मैनेजमेंट होते हैं, जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल में भी आपका एथिक्स होना कि भाई ठीक तरीके से क्वालिटी कंट्रोल की जा रही हो, इन्वायरमेंट सस्टेबिलिटी बनाई रखी जाए, ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी वो सप्लाई चेन दे रहे हैं वो एथिकल प्रैक्टिस से हो, वहाँ पे आपके फेयर लेबल कंडीशंस हैं, रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग हो, आप ये सब चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर रहे हो, और यहाँ पे आप जो है मिनिमाइज करते हो अपने एफर्ट्स को कि जो आपका वेस्टेज हो रहा है वो कम से कम हो, इन्वायरमेंट पे जो गलत इफेक्ट पड़ रहा है वो कम से कम हो, और यहाँ पे सस्टेनेबल ऑपरेशंस आपके बने रहें। सो इस तरीके से एथिक्स जो है आपके इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।